है गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड यस, कॉटन्स इलेक्शन इज बैक। आज है 10 नवंबर एंड आज है पोलिंग डे। एंड फिलहाल टाइम हुआ है 6:48 एंड मैं सुबह सुबह आ गया रिपोर्टिंग करने। मैं लास्ट ईयर भी आया था एंड इस साल भी आ गया सुबह सुबह रिपोर्टिंग करने, क्योंकि मज़ा ही कुछ और है। एंड बाय द वे, मैं अभी अपने डिपार्टमेंट के पीछे हूँ, तो अभी पूरा इलाका देखूँगा कहाँ पर कैसा है सब कुछ। कॉटन्स इलेक्शन इज नॉट जस्ट एन इलेक्शन, इट्स एन इमोशन, इट्स अ फेस्टिवल, एवरीथिंग। एंड ये रहा मेरा डिपार्टमेंट, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ, यूजी थर्ड सेम। एंड हमारे डिपार्टमेंट से नीरज बोरा प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए खेल रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक नीरज दा। फिलहाल तो कैंपस पर कोई नहीं है, सिर्फ एक कौवा है। एंड ओ माय गॉड, ये डस्टबिन तो टूट गया, जो कि बुरी बात है। सुबह सुबह कुछ अच्छा काम करना चाहिए, इसलिए मैं इसको वापस लगा दे रहा हूँ। खड़ा रहे भाई, खड़ा रहे, खड़ा रहे। ओके, किसी तरह ये रह गया खड़ा, गुड। पता नहीं किसने फेंक दिया था इसको तोड़ के, हाथ गंदा हो गया मेरा। ये थोकिया तो अभी कई बार पानी मिले तो ये सब बैनर्स है, ऐसे 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 बहुत सारे बैनर्स आगे तक है, बहुत आगे तक। एंड यहाँ का सबसे यूनिक बैनर है ये हृदय नंद कलिता सेक्रेटरी बॉयज़ कॉमन रूम, क्योंकि ये काले कपड़े पर लिखा गया है। ये मेरा दोस्त है एंड ये इंडिपेंडेंटली खेल रहा है, किसी भी हॉस्टल का सपोर्ट नहीं है। माय फ्रेंड हृदय नंद कलिता, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, ऑल द बेस्ट डूड। एंड दिस इज ऋतुराज दा फॉर द पोस्ट ऑफ जनरल सेक्रेटरी। कल इनके साथ थोड़ा गलत हुआ था ओपन डिबेट पर, आई होप अगली बार ऐसा नहीं होगा किसी भी कैंडिडेट के साथ। एटलीस्ट स्टूडेंट शुड रेस्पेक्ट द कैंडिडेट्स। मेन गेट के सामने भर भर कर बैनर्स है, यहाँ पर भर भर कर। यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स का नाम लिखा गया है आरकेबी हॉस्टल की तरफ से। ये बस उस बैनर पर हिट करने वाला था, वो जो ब्लैक बैनर है, वो ब्लैक बैनर हृदय का था, बट बस साइड से निकल गया, नहीं तो बैनर पर हिट करता। बैनर थोड़ा टूट गया इस तरफ से, ये रस्सी टूट गया क्योंकि बैनर बहुत नीचे है। सबसे ज़्यादा अटेंशन खींचता है ये पोस्टर नीरज दा एंड ये है अमर दा, क्योंकि ये पोस्टर बहुत अट्रैक्टिव है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल ज़्यादा बैनर्स है नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर इस जगह पर भी काफ़ी सारे बैनर्स थे, बट इस साल ज़्यादा है नहीं, पता नहीं क्यों। ओके, तो मैं इस कैंपस पर एंट्री किया एंड पीछे हॉस्टल भी देख के आया, वहाँ पर कुछ गाना शाना बजाया जा रहा है। एंड ये रहा द ग्रेट केबीआर हॉल, कल यहाँ पर ही ओपन डिबेट हुआ था। लास्ट ईयर ओपन डिबेट केबीआर पे नहीं हुआ था, सुब्रमण्यम हॉल पर हुआ था, बट इस साल यहाँ पर हुआ। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने बहुत सारे वादे किए, आई होप ये वादे वादे ही ना रह जाए। लास्ट ईयर भी यूनियन फॉर्म हुआ था, बहुत सारे वादे किए थे उन लोगों ने, कुछ फुलफिल हुआ बट कुछ वादे ही रह गया। तो आई होप कि इस साल ऐसा ना हो, हर साल यूनियन बदलता है, हर साल नए वादे नई उम्मीदें, बट हर साल सेम कहानियाँ, बट आई होप कि इस साल ऐसा ना हो। एंड कल इसी केबीआर हॉल पर बहुत सारे ऐसे लाइक उल्टा सीधा काम हुआ था, जो कि कैंडिडेट्स के इमेज को खराब करने की कोशिश किया गया था, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, इट्स नॉट एथिकल। पॉलिटिक्स के नाम पर ऐसे गिर जाते हैं लोग। दे आर फ्रॉम CM हॉस्टल एंड सुबह सुबह ही कैंडिडेट्स का नाम ऐसे वालों पर लगाया जा रहा है, ऋतिक, हिम्पोर्णा, शिवानंद एंड मंगल। टोटल 4 कैंडिडेट्स है उस हॉस्टल से। तो सब लोग चिल्ला उठे, क्योंकि वहाँ पर एक बैनर था जो कि CM हॉस्टल की तरफ से था, और वो ट्रक जाके बैनर को सीधा हिट किया, तो सब लोग चिल्ला उठे। तो भैया गाड़ी पर चढ़ के उस बैनर को वहाँ से हटाया। यही है यूनिटी, यही है इमोशन। देखा आप लोगों ने, एक पोस्टर को मतलब एक बैनर को टूटने नहीं दिया। तो मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर ली, मैं अभी PG जा रहा हूँ, बाद में आऊँगा वोट देने के लिए अपने दोस्तों के साथ। ओके, तो आप टाइम हुआ है 10:45 एंड ये रहे मेरे PG के लड़के, मतलब PG बॉयस। तो हम सब जा रहे हैं अभी कॉलेज वोट देने के लिए। कास्ट योर अवेलेबल वोट फॉर नीरज बोरा एज योर प्रेसिडेंट, तो ये हम लोगों को दिया गया। बहनीमान गोहाई एज योर म्यूजिक सेक्रेटरी, ये बंदा हमारे PG पर रहता है। बेस्ट ऑफ लक बहनीमान। तो हमें और एक कागज मिला, यहाँ पर भी कैंडिडेट्स का नाम लिखा हुआ है छोटे छोटे अक्षरों में। ओके, दिस इज जॉय बोरुआ, हमारे डिपार्टमेंट का हमारा सीनियर। तो जॉय, हर साल नया यूनियन फॉर्म होता है एंड हर साल नए नए प्रोमिस किए जाते हैं,
तो हम हर साल देखते हैं कि सभी प्रोमिसेस फुलफिल नहीं होता। इस बार भी नया यूनियन फॉर्म होगा, तो आपका क्या आशा है, क्या करेगा नया यूनियन? देखो, पहले के यूनियन हो या नया यूनियन, हमें अटेंडेंस नहीं मिलता है। हाँ, दैट्स द थिंग। सो इस बार देखते हैं, सुना है कोई स्पोर्ट्स वाला उठाए तो अगर अटेंडेंस मिलता है तो ठीक है। हाँ, एंड व्हाट अबाउट द मतलब प्रोमिसेस, जो जो प्रोमिसेस किए उन्होंने? आई डोंट नो अबाउट द एजेंडास, बट लेट्स सी व्हाट्स पॉसिबल टू डू फॉर देम एंड व्हाट्स नॉट। एंड जो कुछ भी पॉसिबल है, आई थिंक वी शुड ऑल help them to grow, and what's not possible, I think we should just take a step forward. Yes, to yes. make that possible. Yes, yes. Thank you. Okay, तो मुझे भी काम दिया गया ये कागज देने के लिए लोगों को, फोर्ट पर हृदयानंद कलिता। ओके, हृदयानंद कलिता इज हियर, सो बेस्ट ऑफ लक डूड, एंड सबको दे रहा है खाना। खाना तो नहीं, मतलब क्या बोलते हैं इसको, सॉफ्ट। ऑल द बेस्ट। हाय श्रेया, हर साल नए यूनियन फॉर्म होते हैं, हर साल नए प्रोमिसेस किए जाते हैं, इस साल भी नए यूनियन फॉर्म होंगे, तुम्हें क्या लगता है इस बार प्रोमिसेस फुलफिल होंगे या नहीं? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, होप करूंगी कि सब फुलफिल हो, बट चांसेस कम आएंगे। यस, वोट किया तुमने? यस, मैंने वोट किया। थैंक यू। तो मैं जाके फटाफट वोट दे के आता हूँ, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा। तो उस तरफ से रास्ता बंद कर दिया गया, एंड लड़कों के लाइन पे कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। एंड लड़कियों के लाइन में दो तीन लड़कियाँ हैं, इस बार पिछली बार की तरह ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। तो और को भी काम पे लगा हुआ है, सबको कागज बांट रहा है। लेट मी हेल्प हिम। यस, गिव मी आधा आधा। यस, तो अभी हम सब कॉफी हाउस पे है, एंड यहाँ पर सब लोग है। ओके, हाय हरपल दा। हेलो। हर साल कॉटन पे नया यूनियन फॉर्म होता है, हर साल नए नए प्रोमिसेस किए जाते हैं, हम जनरली देखते हैं कि फुलफिल नहीं होते, इस साल भी नया यूनियन फॉर्म होगा, आपको क्या लगता है कि फुलफिल होंगे या नहीं? देखिए, हर साल एज अ वोटर एक्सपेक्टेशन तो यही होता है कि जो प्रोमिसेस किए जा रहे हैं वो फुलफिल हो जाए, बट कभी कभी कुछ कहीं पे रह जाता है। तो इस बार भी हमारा एक्सपेक्टेशन यही है कि जो जो प्रोमिसेस किए हैं, जो उन लोगों ने मुद्दे उठाए हैं, वो सब वो लोग आगे लेके जाए, फुलफिल हो। बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, कि अगर नहीं भी हो फुलफिल तो भी ये वोटर्स के पास राइट होता है कि हम प्रोटेस्ट करें। फिर एक साल बाद वोटर्स की बारी आती है, जैसे हम वापस उसी यूनियन को उठाए कि नहीं उठाए। तो एक्सपेक्टेशन तो यही है, चाहता तो मैं यही हूँ, चाहता हर कोई वोटर यही है कि कॉटन के जो जो मुद्दे उठे हैं इस बार यूनियन में वो सारे फुलफिल हो। बट अगर नहीं भी हो, पिछले साल जो इलेक्ट हुआ था कैंडिडेट्स, वो लोग अगर प्रोमिसेस नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं, उन लोग जो अभी जिसको सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग नहीं जीतेंगे। तो आई फील इलेक्शंस में ऐसा होता है कि एजेंडास 12 महीने तो हम लोग को काम करने नहीं मिलता, एजेंडास यूजुअली बहुत बड़ा होता है। आई फील स्टूडेंट्स को थोड़ा कम करना चाहिए एजेंडास, अभी बोल देने से नहीं होता कि हम लोग कुछ कर देंगे, अभी चेंजिंग है, उसके लिए टाइम लगता है ना। तो आई फील इस कैन इस यूनियन फॉर्म करने के बाद एक फीडबैक मैकेनिज्म होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए स्टूडेंट्स के बीच, वोटर्स के बीच, और देन नेक्स्ट इलेक्शन अगर वोट देने के बाद अगर वो काम नहीं करते तो इवेंचुअली चेंज आ जाएगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, एंड आई बिलीव चेंजेस एवरी टाइम नहीं आता, पर अ माइनर चेंज, अ माइनर चेंज कैन मेक अ मेजर। यस यस, वोट दे के आए आप? हाँ। ओके, थैंक यू। हाय संदीपा। हाय। तो पिछले साल भी इलेक्शन हुआ था, नया यूनियन फॉर्म हुआ था, बहुत सारे प्रोमिसेस किए गए थे, बट जनरली वो लोग सभी प्रोमिसेस फुलफिल नहीं किए। इस बार भी नया यूनियन फॉर्म होंगे, बहुत सारे प्रोमिसेस किए उन लोगों ने, तुमको क्या लगता है कि प्रोमिसेस फुलफिल करेंगे या नहीं वो लोग? तू अपने काम से काम रख। तो नीचे फ्री जूस मिल रहा है, लेट्स गो। जुबा केसरी,
विमल, बोलो जुबा केसरी। तो आज के लिए इतना ही था, इट्स ओवर, रिजल्ट्स कल देंगे। एंड मेरा व्लॉग देखना, लास्ट ईयर का जो इलेक्शन का व्लॉग था, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बाय बाय।